हेलो गाइस, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच कजाकिस्तान वर्सेस यूक्रेन के बीच में होने वाला है। मैच स्टार्ट होगा 7:30 PM पर, कंफर्म लाइनअप्स आ जाएगा 6:30 PM पर। तो कंफर्म लाइनअप्स और आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम और जो भी फार्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आएगा टेलीग्राम चैनल पर ही आएगा, और जो भी मैचेस मैं खेलता हूँ मैक्सिमम मैचेस की टीम्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आफ्टर लाइनअप जो भी आएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे आएगा। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी 22,000 के आसपास लोग ज्वाइन हो चुका है, आप भी ज्वाइन करो, फ्री में बेनिफिट्स उठाओ। तो टेलीग्राम चैनल पर ही आपको आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको प्रोवाइड करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले ज्वाइन कर लो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसी लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ स्टार्ट करते हैं रिसेंट फॉर्म हेड टू हेड रिकॉर्ड से। कजाकिस्तान लास्ट 5 मैचेस में एक भी मैच विन नहीं कर पाए हैं, एक मैच में ड्रॉ और सारे मैचेस में लॉस फेस किए रिसेंटली जितने भी इंटरनेशनल मैच खेले हैं। यूक्रेन की बात करूं तो लास्ट 5 मैचेस में 2 मैच में विन किए हैं, 3 मैच में लॉस फेस किए, उनमें से यूरो कप भी है। और यूरो कप में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस पुट अप किए थे इस सीजन यूक्रेन, और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे। और अगर ऑन द पेपर की बात करूं ऑब्वियसली यूक्रेन फेवरेट है, मुझे भी लगता है यूक्रेन बेटर फुटबॉल खेलने वाले कंपेयर टू कजाकिस्तान। और अगर कोई भी टीम क्लीन शीट रख सकते हैं वो यूक्रेन की टीम ही है। अगर फाइटिंग की बात करूं तो देखो कजाकिस्तान हमेशा हेड टू हेड देख के आपको पता चल जाएगा फाइट देते हैं यूक्रेन को। लास्ट 5 मैचेस में यूक्रेन ने 4 बार जीते हैं, लेकिन हर एक बार कजाकिस्तान ने मैक्सिमम टाइम गोल स्कोर किए हैं। तो शायद क्लीन शीट इस मैच में भी ना हो, लेकिन अगर कोई भी टीम क्लीन शीट रख सकते हो यूक्रेन की टीम रख सकती है। ऑब्वियसली यूक्रेन फेवरेट है इस मैच में। अब बात कर लेते हैं इंजरी डाउटफुल प्लेयर्स की न्यूज़ की। तो कोई भी अभी तक मेरे को न्यूज़ मिले हैं अबाउट इंजरी, अगर कोई भी न्यूज़ मेरे को मिलते हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। अब पॉसिबल लाइनअप्स देख लेते हैं। तो पॉसिबल लाइनअप्स के स्टार्ट करते हैं कजाकिस्तान टीम से। गोलकीपर्स में आपको स्टैट्स पोकिटलोप खेलते हुए दिखेगा, डिफेंस में मराड बोस्टरॉप, एरलनॉप, मेली एलिप, भलुलिन। तो देखो 5 डिफेंडर्स जो पोजीशन होते हैं ना, हमेशा बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग प्रेशर में जब रहते हैं टीम, तब 5 डिफेंडर्स लेके खेलते हैं। तो भाई डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है कजाकिस्तान का, तो कम गोल खाने का ट्राई करेगा लेकिन हारने वाला है ये। तो भाई 5 डिफेंडर्स में जीतना बहुत कम चांस है। तो 5 डिफेंडर्स से खेल रहे हैं कजाकिस्तान, और मैं डिफेंडर्स में कोई प्लेयर सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको लेना ही है मैं मेली को सजेशन दूंगा, आप ले सकते हो। एक और प्लेयर है बोस्टरॉप, तो ये 2 प्लेयर्स को मैं रिकमेंड करूंगा, आप ले सकते हो। अगर कजाकिस्तान को अगर आपको लगता है फेवरेट, जो बहुत ही रेयर चांस में होगा, ग्रांड लीग खेल रहे हो तब खेलना, तब ये 3 डिफेंडर्स को पिक कर सकते हो। मिडफील्डर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आज़ाद नूरगिलेव है, जो इस टीम का एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, मतलब पुराना प्लेयर है, बहुत दिनों से खेल रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है नूरगिलेव, तीन को आप ले सकते हो। साथ में आपको मुजिकॉप और यहाँ पे बख्तियार खेलते हुए दिखेगा। अटैकिंग में ऑटर और याम बेटॉप आपको खेलते हुए दिख जाएगा। पेनाल्टी मेनली देखो, बहुत सारे मैचेस मैं देखा हूँ कजाकिस्तान का, लेकिन लास्ट 20 मैच में देख लिया भाई, कोई भी मैच में पेनाल्टी नहीं मिले है। तो पेनाल्टी नहीं मिला तो पेनाल्टी टेकर्स को भी पता चल पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर क्लब फुटबॉल की बात करूँ तो भाई रेगुलर बेसिक्स पे नूरगिलॉव पेनाल्टी ले रहा है, तो मैं नूरगिलॉव को ही सोच के चल रहा हूँ कि ये ही पेनाल्टी लेने वाले है कजाकिस्तान के तरफ से। फ्री किक कॉर्नर टेकर्स की बात करूँ तो मेनली मुजिकॉव फ्री किक लेते हैं, बख्तियार भी फ्री किक कॉर्नर टेक कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पिक की बात करूँ, इम्पॉर्टेंट मतलब जो स्मॉल लीग में लेने वाला प्लेयर्स, ग्रैंड लीग में देखो सब प्लेयर अच्छा है, कौन प्लेयर किस दिन चलेगा बोल पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी स्मॉल लीग में कुछ पिक्स बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट होगा, आप लेने की कोशिश करना ज़्यादातर। तो देखो गोलकीपर मास्ट हैव पिक है, और यहाँ पे मुखियोप मास्ट हैव पिक है, ये 2 प्लेयर सबको छोड़ना नहीं है।
अगर क्लब परफॉर्मेंस देखोगे तो क्लब परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल मतलब नेशन के लिए खेलना बहुत अलग बात है। और क्लब फुटबॉल में यहाँ पे ऑटर का परफॉर्मेंस लाजवाब है, साथ में अबेद जो है स्ट्राइकर लाजवाब है, मतलब हर एक मैच में गोल करने वाला प्लेयर है, लेकिन इंटरनेशनल ड्यूटी में वैसे होता नहीं है। तो ग्रांड लीग में ये दो प्लेयर्स को ट्राई करना बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर गोल स्कोर करते हैं कजाकिस्तान तो ये दो प्लेयर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो देखो ये दो प्लेयर्स में से किसी एक के ऊपर आप रिक्स ले सकते हो, और ये दो प्लेयर्स मस्ट हैव पिक हैं, ये जो मुजिकॉप और यहाँ पे गोलकीपर स्टैट्स, तो ये दो प्लेयर्स को आपको लेना ही है। और ये दो प्लेयर्स में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो, और पेनाल्टी टेकर कवर करना है तो नूडगिल आप ले सकते हो। और मैं डिफेंडर्स में मैली को रिकमेंड करूँगा, डिफेंसिवली अच्छे खेलते हैं, अटैकिंगली हेडर में स्ट्रांग है, तो गोल भी कर सकते हैं, तो मैं मैली को सजेस्ट करूँगा। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन टीम की, यूक्रेन टीम की बात करूंगा तो पहले आएगा गोलकीपर। गोलकीपर्स में आपको एंद्री पेटॉप खेलते हुए दिख जाएगा, अच्छा गोलकीपर है, लेकिन इस मैच में शायद उतना अच्छा गोलकीपिंग ना करना पड़े क्योंकि सामने थोड़ा वीक टीम है। तो मैं गोलकीपर्स डेफिनेटली कजाकिस्तान का गोलकीपर्स लूंगा। डिफेंडर्स की बात करूँ तो जबरनी है, कॉर्पस्टॉफ है, मताविंको है, कराभेव है, तो फोर डिफेंडर्स आपको दिख जाएगा डिफेंडिंग सेक्शन में। चारों प्लेयर्स को ले सकते हो, अगर आपको लगता है क्लीन शीट होगा डेफिनेटली लो, अगर आपको लगता नहीं क्लीन शीट होगा तो ये दो प्लेयर्स डेफिनेटली पिक है, कराभेव, मताविंको, और ये दो प्लेयर्स में टॉसअप करके एक प्लेयर बाहर कर देना और एक प्लेयर्स को पिक करना, ठीक है। मैं अगर जाऊँगा तो मैं जबरनी के साथ जाऊँगा क्योंकि जो साइड का प्लेयर है ज़्यादा टैकलिंग इंटरसेप्ट करते हैं कॉम्पैक्टली सेंटर। अब मिडफील्डर्स की बात करूँ तो यहाँ पे सफरेंको और यहाँ पे शोइद्रुचुक। देखो सफरेंको शोइद्रुचुक को बहुत कम लोग पिक करने वाले, इनका सिलेक्शन रेट बहुत कम है, लेकिन ग्रांड लीग कौन सा प्लेयर जिताएगा, यही दो प्लेयर्स आपको ग्रांड लीग जिताएगा। तो ग्रांड लीग में आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, अगर अच्छा कर गया तो भाई अच्छा ऑप्शन हो सकती है। साथ में अलेक्जेंडर जिनचिनको है जो इस टीम का मेनली फ्री किक कॉर्नर टेक करते हैं, अगर इर्मोलेंको सब्स्टिट्यूट होते हैं तब अगर पेनाल्टी मिलते तो जिनचिनको लेगा, ये चीज़ है। और अटैकिंग में आपको इर्मोलेंको, इरमानोचक और मिलनोवस्की, चारों ही प्लेयर बहुत डेंजरस है। यूक्रेन का ये जो टॉप फोर है मास्ट हैव पिक है, आपको लेना ही पड़ेगा, और एक प्लेयर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा डिफेंडर सेक्शन में, ये दो प्लेयर मास्ट हैव पिक। तो ये छह प्लेयर टॉप पिक में आपको दिख जाएगा, ये आपको लेना ही है। लास्ट प्लेयर आपका चॉइस है, अब जबरनी और कॉर्बोत में से आपको एक लेना होगा, तो ये चीज़ आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा रिक्स लेना चाहते हो तो सफरेंको शोइद्रुचुक में से भी ले सकते हो। पेनाल्टी टेक करेगा इर्मोलेंको, तो इर्मोलेंको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए बहुत अच्छा चॉइस। जिनचेनको फ्री किक कॉर्नर टेक करेगा तो ये बहुत अच्छा चॉइस है एज ए कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी, तो ये दो टॉप चॉइस है। अगर थोड़ा रिक्स लेना चाहते हो, इर्मोनोचक बहुत अच्छा फॉर्म में है, गोल असिस्ट कर रहा है हर एक मैच में, और इर्मोलेंको से बेटर फॉर्म में चल रही है इर्मोनोचक, तो इनको भी आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ट्राई कर सकते हो, साथ में मिलनोवस्की। तो ये चार चॉइस में से आपको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चूज करना पड़ेगा, बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर बन सकते हैं आज के मैच में। मेरी प्रेडिक्शन 1-0 यूक्रेन विन, यहाँ पे 2-1 हो सकते हैं, 1-0 मेनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 2-0 2-1 इस टाइप ऑफ मैच जा सकते हैं। मेरी फैंटेसी टीम देखोगे तो यहाँ पे ये मैं टीम बनाया हूँ, ये चार प्लेयर मास्ट हैव पिक है, और मैं जबरनी को ट्राई किया हूँ, कॉर्बोतोस का भी एक अच्छा चॉइस है, आप ले सकते हो उनके प्लेस पे। यहाँ पे मैं मलाई को ट्राई किया हूँ, मुजिकॉप और यहाँ पे बख्तियार को भी किया, वो मलाई के प्लेस पे, यहाँ पे जो उनका पेनाल्टी टेकर है उनको ले सकते हो, यहाँ पे नूडगिलॉप, तो ये चेंज अप कर सकती हो। ये मेरा अभी तक का टीम है, कैप्टेंसी में इर्मोलेंको को दिया हूँ, वाइस कैप्टेंसी जिनचेनको, इर्मोनोचक बहुत अच्छा चॉइस है एज ए कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी। रिक्स लेना है मिलनोवस्की के ऊपर रिक्स ले सकती हो। तो ये टीम है, ये टीम अभी तक फाइनल नहीं है, मतलब अभी तक का फाइनल है, लेकिन फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, जो भी फर्दर अपडेट्स आफ्टर लाइन ऑफ फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और पास वाला बेल आइकन प्रेस करके रखो, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और एक लाइक कर लेना, लाइक से फीलिंग अच्छा आती है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।